जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इधर दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर को लेकर नए प्लान पर चर्चा हुई, जहां सेना ने आतंकवादियों को लेकर नए रणनीति तैयार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशत गर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी, इसके लिए जरूरी ट्रूप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए AI बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP, CRPF के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि OGW कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है, लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुल्लू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का ये कॉन्फिडेंस ही आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है।